बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। तो करती हूँ अपना आज का व्लॉग स्टार्ट। तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है, बारिश बहुत तेज़ हुई थी, तो बारिश का मौसम था, तो बारिश में दिल था कि चाय के साथ कुछ चटपटा हो जाए, तो चाय बनाई, तो साथ में मैक्रोनी बनाने लगी हूँ। तो मैक्रोनी जो सी है वो मेरा बेटा मेरी हेल्प करवा रहा है, उसका दिल था मैं खुद बनाऊँ लेकिन उसे आती नहीं है, मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। लहसुन और प्याज कट करके एक बर्तन में मैंने डाल दिया, ऑयल डाल दिया, वो चम्मच फेरने लगा हुआ है। तो अब इसमें मैं चीज़ें डाल दूँगी, टमाटर और मिर्चें, प्याज जब सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद इसमें डालूँगी नमक और मिर्च हल्दी, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। ये देखिए प्याज और लहसुन हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका था, अब इसमें टमाटर और मिर्चें शामिल कर दी हैं और अब इसमें मसाले शामिल कर देंगे। मसालों में नमक, मिर्च और हल्दी है, ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो गर्म मसाला भी शामिल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने किसी किस्म की केचप वगैरह यूज़ नहीं की। तो ये देखिए मसाला अच्छी तरह जब भुन जाएगा तो इसमें मैं चिकन शामिल करूँगी। तो ये देखिए मसाला जो सा हमारा अच्छी तरह भुन चुका है, अब इसमें थोड़ा सा चिकन शामिल कर दिया है जो बोनलेस है, तो इसमें छोटे छोटे पीसेस करके शामिल किया, इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और साथ ही इसके मटर भी शामिल कर देंगे क्योंकि मटर जो सा उसको गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए वो भी मैंने साथ शामिल कर दिए। लेकिन गाजरें और शिमला मिर्च वो मैंने अभी शामिल नहीं की, पहले इसको अच्छी तरह गला लूँगी फिर उसमें वो चीज़ें शामिल करूँगी। और दूसरी तरफ बर्तन रखा हुआ पानी डाल के इसमें तो थोड़ा ऑयल डाल दिया है और एक चम्मच नमक का डाल दिया है और इसमें मैक्रोनी जो है वो बॉईल कर लेंगे। तो मटर और चिकन जो है वो हमारा अच्छी तरह भुन चुका था, अब इसमें शिमला मिर्च और गाजरें शामिल कर दी हैं और दूसरी तरफ मैक्रोनी हमारी जो सी है उसका पानी बॉईल हो रहा है, तो जब पानी बॉईल होने लग पड़ेगा तब उसमें मैक्रोनी शामिल कर देंगे। पानी जो है वो हमारा पकने लग पड़ा है, अब इसमें मैक्रोनी शामिल कर दी और मैक्रोनी शामिल करते वक्त इसमें ऑयल डाला था और एक चम्मच नमक डाला था जो मेरे से स्किप हो गया, मैं नहीं बना सकी उसकी वीडियो। तो ये देखिए मसाला भी हमारा अच्छी तरह तैयार हो चुका है, बस अब मैक्रोनी है वो इसमें डालनी है। मैक्रोनी जो सी है वो हमारी बॉयल हो रही है, तो ये बॉयल होने के बाद इसको उस मसाले में शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें केचप का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसमें केचप का यूज़ नहीं किया तो दिल नहीं था केचप इसमें डालने का क्योंकि टेस्ट थोड़ा मीठा सा हो जाता है, तो स्पाइसी मैंने इसमें डाली नहीं केचप। तो केचप अगर जिसने खानी होगी वो खुद डालेंगे, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल इसमें केचप नहीं डाली। तो अब मैं सबको दूंगी मैक्रोनी। बारिश में ऐसी चटपटी चीज़ें खाने का बहुत ही दिल करता है और मैक्रोनी जो सी है वो मैं खाने लगी हूँ, लेकिन चाय जो सी वो मैंने चूल्हे पर रख दी थी ताकि चाय जो सी है मैक्रोनी खाते ठंडी ना हो, तो ये हल्की आंच पर पक रही थी। तो ये देखिए चाय भी हमारी तैयार हो चुकी है। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, अगर आपको पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन को करें प्रेस ताकि आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मिलूंगी अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।